नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और डीके टेक हिंदी की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप का तो यूज़ करते ही हैं। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, इन सभी लोगों को हम व्हाट्सएप से कोई फाइल, वीडियो, ऑडियो शेयर करते रहते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि अगर हमारी कोई भी फाइल 20 MB से ऊपर की होती है तो वो सेंड नहीं होती, क्योंकि व्हाट्सएप में एक लिमिट होती है कि 20 MB से ऊपर की कोई भी फाइल सेंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिससे आप 20 या 1 GB तक की कोई भी फाइल आराम से सेंड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप में। दोस्तों, बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे डीके टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे डीके टेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इस घंटी के बटन पर क्लिक करके आप हमारी डेली आने वाली टेक वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ही हम व्हाट्सएप से 1 GB तक की कोई भी फाइल सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर। दोस्तों, हमें सर्च करना होता है इसमें व्हाट्सएप टूल, जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है। दोस्तों, ये सबसे ऊपर एप्लीकेशन आ रही है, इसे ही हमें इंस्टॉल करना है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, 4.5 की इसकी रेटिंग है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है और आप इसे डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको सीधे यूज़ करके बताऊँगा आपको कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर चलते हैं। दोस्तों, इसका फर्स्ट इंटरफेस ऐसा होता है, इसमें हमें टर्न ऑन करना होता है। टर्न ऑन करेंगे, फिर ओके कंटिन्यू, क्योंकि बैकग्राउंड में काम करती है हमारे। और दोस्तों टर्न ऑन करने के बाद हमें ये व्हाट्सएप सर्विस जो होती है इसे ऑन करना होता है, तो हम इसे ऑन कर लेंगे, ओके करना होता है। दोस्तों, हम सीधे एप्लीकेशन में पहुंच चुके हैं। अब हमें करना क्या है कि हम एक बार चेक करेंगे व्हाट्सएप में कि ये टूल हमारे व्हाट्सएप में खुल रहा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये एप्लीकेशन हमारे व्हाट्सएप में खुल रही है। ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इससे कोई भी फाइल सेंड कर सकते हैं जो भी 1 GB से नीचे हो। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ सेंड करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों, हम वीडियो में आ गए हैं और अब हम एक वीडियो सेंड करेंगे जो 20 MB से ऊपर होगी और दिखाएंगे आपको कि अपने दूसरे फ़ोन में ये कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहले हम एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं 37 MB की ये वीडियो है और इसे हम शेयर करेंगे। तो इसे हमने शेयर किया, ये देखिए इसका एक लिंक जनरेट हो चुका है। अब हम इसे सेंड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना जो दूसरा फ़ोन है जिसमें सेंड कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ कि उसमें कैसे पहुँचेगी और हमें कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा उसमें। तो ये हमने सेंड कर दी है ये फाइल, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे ये फाइल पहुँच चुकी है जो 37 MB की है। ये देखिए, इसमें भी शो हो रहा है 37.05 MB। और अब हम यहाँ से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसे सीधे ब्राउज़र में पहुंच जाएंगे और वहां से वो सीधे डाउनलोडिंग का ऑप्शन उसमें आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब इससे हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा
डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है और ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी बहुत आसानी से। तो दोस्तों ये फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए डाउनलोड में जाएंगे और ये जो फाइल है हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए तो दोस्तों आप जान ही चुके होंगे कि WhatsApp पर हम 1 GB तक की कोई भी फाइल कैसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और दोस्तों हमारे DKTech हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।